नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चाइनीज मांझे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। रामपुर में कुछ दिन पहले हुई एक युवक की चाइनीज मांझा में करंट आने से हुई मौत। रामपुर पुलिस हरकत में आई। रामपुर पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को चाइनीज मांझे के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से 416 गिटार चाइनीज मांझा बरामद हुआ। रामपुर पुलिस के अनुसार चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, इसकी बिक्री करते हुए अगर कोई भी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद रामपुर में आज दो दिन पहले दो मेला रोड मोहल्ला घेर कलंदर खान निवासी जाने आलम, जिसकी चाइनीज मांझे में करंट उतरने से मौत हो गई थी। जाने आलम बास मंडी के रोड से गुजर रहा था, तभी रास्ते में चाइनीज मांझे की डोर बिजली की तार से नीचे लटक रही थी। उसमें करंट आ रहा था, जिससे जाने आलम की चपेट में आ गया था, इससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ दो लोगों को थानागंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया, जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसी को लेकर थानागंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मोहल्ला खेर कटेबाज खान में छापा मारा, जहां से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस दुकान से 416 गिट्टा चरखी बरामद हुआ। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थानागंज पुलिस द्वारा प्रतिबंधित मांझा बेचते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा, इसके तहत थानागंज पुलिस ने आज कार्रवाई की है। इसमें मोहल्ला घेट कटेबाज खां में एक छापा मारा और दो युवकों को गिरफ्तार किया। इस दुकान से 416 गिट्टा चरखी बोलते हैं जिसे, वो बरामद हुआ है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इन दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, विधिक कार्रवाई की जाए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24।